Hi you guys, welcome back to my channel and I'm back with yet another Meesho haul। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने Meesho से डिफरेंट स्टाइल की कुर्तीज़ ऑर्डर की है एंड आपने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं आपके साथ आलिया कट कुर्ती का हॉल शेयर करूं। सो हेयर आई एम। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट आलिया कट कुर्ती। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आलिया कट कुर्ती, तो मैंने सोचा क्यों ना Meesho से ऑर्डर की जाए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सो जितनी भी ये कुर्तीज़ है मैंने सभी बिलो 500 की रेंज में ऑर्डर किया है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बिना देरी किए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट आई हैव दिस वेरी प्रिटी ब्लू एंड क्रीम कलर कुर्ती एंड मुझे ना ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसमें जो ओवरऑल प्रिंट है एंड इसका जो मटेरियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको यही कुर्ती दिखाती हूँ। सो जिनको नहीं पता है बेसिकली कि आलिया कट कुर्ती होती क्या है, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, बट मैंने थोड़ा सा गूगल किया एंड बहुत सारी कुर्तीज़ देखी तो मुझे फाइनली ये समझ में आया कि आलिया कट कुर्ती का नेक आपको वी शेप में मिलता है एंड जैसे ही आपका नेक खत्म होता है ना उसके नीचे से ना आपको इस टाइप से हाई लो हेमलाइन मिलती है। मतलब आप देख सकते हैं नेक के जस्ट नीचे आपको इस टाइप से ये वाला पैटर्न मिलता है एंड जस्ट यहीं से ना आपको ऐसा प्लीटेड पैटर्न भी मिलता है एंड ये वाला जो हाई वाला पैटर्न है ये पीछे साइड आके ना ये लो हेमलाइन हो जाती है। सो बेसिकली मुझे तो यही समझ में आया। अगर और भी कुछ होता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो इसका नेक आपको इस टाइप से मिलेगा एंड इसमें ना आपको पिंक कलर से पूरा इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से गाइज ये थ्रेड वर्क किया हुआ है, एकदम फिनिशिंग के साथ है पूरा वर्क एंड इस पूरी ओवरऑल कुर्ती में आपको क्रीम कलर से लीव्स का प्रिंट मिल जाता है एंड फ्लेयर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कुर्ती का। एंड जो नीचे वाला पैटर्न होता है ना आलिया कट कुर्ती में, वो जैसा ए लाइन कुर्ती का पैटर्न होता है ना सेम वही होता है। इसमें कोई भी साइड स्लिट नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये ए लाइन कुर्ती है तो ए लाइन कुर्ती में कोई भी वैसे भी कट तो नहीं होता है। एंड देन बैक साइड से ये पूरी प्लेन है, ओनली लीव्स की प्रिंटिंग की हुई है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी कुर्ती है गाइस, पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा इसका अच्छा लुक लग रहा था। इसकी जो स्लीव्स है वो आपको 3/4 मिल जाती है। आप इसे डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं या आप कहीं गेट टुगेदर में जा रहे हैं तो भी आप इसे स्टाइल करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने इसे बेज कलर के ट्राउजर के साथ स्टाइल किया है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी गाइस ये कुर्ती, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आलिया कट कुर्ती की रिक्वायरमेंट है तो। साइज़ मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है, फिटिंग वाइज ये एकदम परफेक्ट है एंड प्राइस मैंने इसके लिए ओनली 500 रुपीज़ पे किया है। सो 500 के अकॉर्डिंग ना इसका मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इट्स इन सॉफ्ट रेयॉन मटेरियल, सो डेली वेयर के लिए भी ना एकदम कंफर्टेबल है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कुर्ती। तो ये कुर्ती जब मैंने पार्सल से ओपन करके देखा था ना तो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बट जब मैंने इसको ट्राई किया ना तो मुझे इसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड ये ना थोड़ा सा कलर में भी चेंज है, मतलब Meesho में जो इमेज थी ना वो थोड़े से ना डार्क सी मुझे दिख रही थी कुर्ती का जो कलर था, बट ये वाला ना आपको मिलेगा इस टाइप से लाइट पिंक के शेड में, बट पहनने के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो यू कैन सी कुछ इस टाइप की ये कुर्ती है। पूरी कुर्ती में आपको इस टाइप से ना रोज पैटर्न मिल जाएगा, रोज एंड लीव्स बनी हुई है पूरी ओवरऑल कुर्ती में। फ्लेयर्ड काफ़ी अच्छा है इसका। अपर पोर्शन में आपको इस टाइप से डार्क पिंक कलर से प्रिंट मिल जाता है एंड देन नीचे साइड कुछ इस टाइप से ओवरऑल प्रिंट है। स्लीव्स की लेंथ इसकी 3/4 है एंड स्लीव्स के एंड में भी सेम जैसा नेक में प्रिंट किया है ना वही आपको प्रिंट मिलता है। बैक साइड से पूरी कुर्ती सेम है। स्टाइल करने के बाद ना ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो पहले ना मैंने इसे पिंक कलर की लेगी के साथ स्टाइल किया था क्योंकि इसमें डार्क पिंक कलर से प्रिंट किया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा लगेगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं कौन सा बॉटम इसमें ट्राई करूँ एंड फाइनली जब लास्ट में मैंने इसको बेज कलर के जीन्स के साथ स्टाइल किया ना तो इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अगर आप ये कुर्ती परचेस करते हैं ना तो आप इसे ना वाइट या फिर बेज कलर के जीन्स या ट्राउजर के साथ स्टाइल करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इस कुर्ती का लुक। एंड ये परफेक्ट कुर्ती है कॉलेज के लिए। अगर आप कॉलेज जाते हैं ना तो आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। मटेरियल इसका रेयॉन है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसे डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अपना साइज M ऑर्डर किया है एंड फिटिंग वाइज ये भी मुझे परफेक्ट हो रही है। वैसे भी जितनी आलिया कट कुर्ती है ना, ये थोड़ी सी ना लूज पैटर्न में ही होती है। प्राइस मैंने इसके लिए ओनली 451 पे किया है। सो प्राइस वाइज ना ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कुर्ती। सो इट्स इन रानी पिंक कलर, यू कैन सी बहुत ही ज्यादा ना प्रिटी सा इसका कलर है एंड इसका जो ओवरऑल लुक है ना वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये जितनी भी कुर्ती है ना सभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। सो यू कैन सी दिस इज द ओवरऑल कुर्ती। इसके अपर पोर्शन में आपको इस टाइप से लीव्स पैटर्न मिल जाएगा ग्रीन कलर से एंड इसमें 2-3 ग्रीन कलर यूज हुए हैं, आप पास से देख सकते हैं। स्लीव्स की लेंथ इसकी 3/4 है एंड स्लीव्स के एंड में आपको थोड़ा सा ऐसा zigzag वाला पैटर्न मिल जाता है एंड नेक में भी आपको सेम वही पैटर्न मिलता है एंड देन नीचे साइड से फिर इसमें वही सेम प्लीटेड पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। इसका फ्लेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड पहनने के बाद इसका लुक भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस कुर्ती का एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इसमें जो प्रिंट आपको फ्रंट में मिलता है ना वही इसके बैक में भी आपको मिलता है। सो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड इसमें ना आपको फ्रंट साइड में ऐसे डोरी भी मिल जाती है। सो इस कुर्ती को ना मैंने ग्रीन कलर के ट्राउज़र के साथ स्टाइल किया। इसमें भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इससे किसके साथ स्टाइल करूं। जब बहुत ज़्यादा कलर होते हैं ना कुर्ती में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार बॉटम वियर क्या होना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन कलर के पैंट के साथ स्टाइल किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये उसके साथ अच्छी भी लग रही है या नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा यार इसी को ट्राई कर लेते हैं। बट इस कुर्ती का लुक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका मटेरियल भी रेयॉन है एंड साइज मैंने अपना इसमें एम ऑर्डर किया है। ये भी मुझे फिटिंग वाइज एकदम परफेक्ट है। प्राइस इसके लिए मैंने 328 रुपीज़ पे किया है एंड 328 के हिसाब से ना ये वाली कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फेस्टिवल के लिए भी एकदम एप्रोप्रिएट है बिकॉज इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हम ना होल डे में मतलब पूरे ऐसा एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तीज़ या इंडियन वेयर स्टाइल नहीं करते हैं। दिन भर के लिए हमको कोई ऐसा नॉर्मल कुर्तीज़ या नॉर्मल कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ता सेट। इसमें आपको कुर्ती के साथ पैंट भी मिल जाता है एंड इट्स इन टील ब्लू कलर। यू कैन सी कुछ इस टाइप का इसका ओवरऑल पैटर्न है। इसमें आपको नेक में ना इस टाइप से पूरा एम्बेलिश्ड वर्क मिल जाता है। इसमें आपको सीक्वेंस एंड थ्रेड का पूरा काम मिल जाता है। काफी अच्छे तरीके से गाइज ये काम किया हुआ है एंड फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी थ्रेड वगैरह निकल रही है। स्लीव्स की लेंथ इसकी 3/4 है एंड स्लीव्स के एंड में भी आपको सेम यही वर्क मिल जाता है एंड देन नीचे साइड से ये पूरी प्लेन है। इसका फ्लेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड बैक साइड से ये पूरी प्लेन है। इसके साथ बॉटम दिया हुआ है। सो ये है इसका बॉटम। इट्स अ पैंट। इसमें आपको इलास्टिक वेस्ट बैंड मिल जाता है दोनों साइड में एंड देन नीचे साइड में ना इसमें सेम वही एम्बलिश्ड वर्क किया हुआ है जो कुर्ती के अपर पोर्शन में किया हुआ है। सो ओवरऑल इस कुर्ती का लुक पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बट ये ना मुझे थोड़ी सी लूज हो रही थी। मैंने इसमें अपना साइज एम ऑर्डर किया है तो ये मुझे थोड़ी सी लूज है, टाइट कराना पड़ेगा मुझे इसे। बाकी पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट है। अगर आपको फेस्टिवल के लिए रिक्वायरमेंट है कुर्ता सेट तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मटेरियल है इसका रेयॉन एंड प्राइस मैंने इसके लिए 463 रुपीज़ पे किया है। सो प्राइस वाइज it's also a great deal. Now moving on to the next kurti. So next I have this green and blue color kurti. So ये वाली जो कुर्ती है ना उसकी मैं ओरिजिनल इमेज इंसर्ट कर दूंगी साइड में। उसका कलर ना मुझे मेहंदी कलर जो होता है ना उस टाइप से दिख रहा था, बट मुझे जो रिसीव हुई है ना वो है इस टाइप के पैरेट ग्रीन कलर में। तो ये वाला कलर ना देखने में ना थोड़ा आंखों को ना चुभता है, मतलब मुझे तो ये उतना ज्यादा पसंद नहीं है। बट जब मैंने इसको स्टाइल किया था ना तो इसका लुक ठीक ठीक आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो यू कैन सी इसका ओवरऑल लुक कुछ इस टाइप से है। अपर पोर्शन में आपको ब्लू कलर से प्रिंट मिल जाता है एंड देन नीचे साइड में आपको इस टाइप से ग्रीन कलर से प्रिंट मिलता है। इसमें लीव्स बनी हुई है ओवरऑल पूरी कुर्ती में एंड इसमें बैक में भी आपको अपर पोर्शन में सेम ब्लू कलर से ही प्रिंट मिल जाता है। स्लीव्स की लेंथ इसकी 3/4 है। स्लीव्स के एंड में ग्रीन कलर से ऐसी पट्टी लगाई हुई है। तो कुर्ती की अगर मैं बात करूँ ना तो लुक तो अच्छा है, बट कलर से मैं इम्प्रेस नहीं हुई हूँ, बिकॉज कलर ना मुझे तो बहुत ज्यादा ये चुभ रहा है आंखों में। बट अगर आपको अच्छा लगता है ये वाला कलर तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। मैंने इसमें अपना साइज ऑर्डर किया है एम, फिटिंग वाइज ये एकदम परफेक्ट है, एंड प्राइस मैंने इसके लिए 451 पे किया है। सो प्राइस वाइज ये मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। जो स्टार्टिंग की चारों कुर्तियां है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी कुर्तीज जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी आपकी रिक्वेस्ट में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो गाइस तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड में जो बेल बटन है उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।